एवरीवन, नमस्ते। आप लोग कैसे हो मुझे ये बताओ। और मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज जो मैंने किया है ना, मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, और बहुत मजा आया आज मुझे ये करते टाइम। तो आज का जो व्लॉग है ना, पूरा देखना, आप भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। तो चलो फिर आज का व्लॉग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी स्केचिंग को स्टार्ट कर दी है, और आज का जो इमेज है ना, वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो तो मैंने खुद क्लिक करी थी, और इस पे कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन जो स्केच करूंगी ना, वो जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑलमोस्ट हाउस का स्केच तो कर ही लिया है, ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत करूंगी मैं इसको स्केच। बट ये ना बहुत चैलेंजिंग पिक्चर है, क्योंकि इसमें ना क्लाउड का जो इफेक्ट है, वो वाटर कलर में कैसे दिया जाएगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और अगर आप चाहते हो ना कि ये पेंटिंग क्रिएट करना, तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप भी मेरा स्केच वगैरह कॉपी करके कलर्स वगैरह डाल सकते हो। तो अभी से स्टार्ट कर दो, खूब मजा आने वाला है, क्योंकि इसके क्लाउड्स के इफेक्ट ना बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक ऐसे क्लाउड्स क्रिएट नहीं किए हैं वाटर कलर में, एक्रेलिक में तो बहुत कुछ किया है मैंने। तो ऑलमोस्ट मेरा स्केच भी डन हो चुका है, इसके बाद हम कलरिंग वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप कर रहे हो ना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं ना अब ब्रशेस वगैरह निकाल ले रही हूँ, बाकी तो सब मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है अपना, और अब मैं बस पेंटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। और हमेशा ना, अगर आपको अपने कपड़े बचाने हैं, तो आप ये एप्रन वगैरह ना तो जरूर पहनो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कपड़े ना आपके गंदे हो सकते हैं। मेरे सारे घर के कपड़े ना इसी तरह खराब हो रखे हैं, तो इसलिए अब मैंने अब एप्रन पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं ना यहाँ पे इसका पूरा स्काई का कलर बना रही हूँ, क्योंकि आपको ना सारे कलर इसमें एक साथ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वेट ऑन वेट डालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे वो कैसा इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे कलर्स ना पहले बना लो। यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल पिगमेंटेड ब्लू लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा ग्रे शेड बनाया है, ठीक है। तो आप भी ये सेम कलर्स बना लेना। तो यहाँ पे मैं ना अभी ट्रीज के लिए भी कलर्स बना ले रही हूँ, जो मुझे बैकग्राउंड में डालना है, और बैकग्राउंड के ट्रीज मैं ऑफ रखने वाली हूँ। तो काफी सारे कलर्स मिक्स करके उसका पिगमेंट मैंने ब्रेक कर दिया है। तो आप भी पिगमेंटेड कलर्स मत यूज करना बैकग्राउंड में, नहीं तो वो चीज लगेगी नहीं कि वो बैकग्राउंड में है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और बस अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट लेयर, फिर हम उसके बाद थोड़ा सा वेट करने वाले हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पे ना फटाफट स्प्रे तो कर दिया है, बट फिर भी मैं अपने ब्रश से ना पानी तो जरूर लगाऊंगी। अब देखो, ये मेरे ब्रश में ग्रीन कलर लगा था, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर वाटर में आ गया है। तो अब उस चीज से बचने के लिए ना, आप क्लीन वाटर लेना, मेरी तरह ग्रीन कलर का ही वाटर मत ले लेना जो आपका पहले से गंदा हो। तो बस मैंने पूरी शीट को अच्छे से वेट कर लिया है, एकदम जैसे होता नहीं है पानी में डिप कर दिया हो, आपको अपनी शीट को वैसे रखना है। तो यहाँ पे मैंने बीच में एकदम सेंटर में ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है, और थोड़ा सा मैं एकदम ब्राइट कलर का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा ये। और उसके बाद जो साइड में क्लाउड्स गए हैं ना, उसमें ग्रे का पूरा यूज करना है, और देखना ये ग्रे कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। मुझे नहीं पता कि इसका इफेक्ट कैसा आने वाला है, तो बस मैं यहाँ पे अब इसके कलर्स डाल रही हूँ, और अब मैं डार्क वैल्यूज ऐड करने वाली हूँ इसमें। अब यहाँ पे ना मैं लिफ्टिंग टेक्निक का यूज कर रही हूँ, और बस यहाँ पे ये जो क्लाउड का इफेक्ट है ना, उसको देने के लिए। अब बाकी मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, फिर भी मैं उसके बाद डार्क वैल्यूज वगैरह ऐड करूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने ना स्टार्ट कर दिया है बैकग्राउंड में डालने के लिए, तो जो मेरे ट्रीज वगैरह हैं, लैंड वगैरह है, उसका मैं डाल दे रही हूँ। अभी इसमें कोई बहुत जस्टिफाइड नहीं है कि हमने कलर कौन सा डाला है, कहाँ पे डाला है, बस आपको जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, आपको उस एरिया में कलर डाल देना है। तो बस ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट लेयर, और अब मैं
इसको प्रॉपरली ड्राई होने दूंगी, उसके बाद इसमें नेक्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे और फिर हम डिटेलिंग में। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर डालना स्टार्ट कर दिया है और कहीं कहीं पे व्हाइट छोड़ देना जो इसमें एस्थेटिकली अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बाकी मैं धीरे धीरे इसमें वैल्यूज ऐड करती जाऊंगी और फिर हमारा देखना इसका लुक आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड कर रही हूँ और इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको भी कि बहुत अच्छे से सब कुछ दिखा रहे हो, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे अंधेरा सा है तो इतना कुछ नहीं दिखेगा, बस आपको हल्का सा इफेक्ट देना है। व्हाइट छोड़ना मत भूलना क्योंकि सारा लुक ना वो व्हाइट ही देता है। तो बस अब मैंने यहाँ पे हर जगह सेकेंड लेयर जो अप्लाई करी है ना उसको मैंने बहुत ही पिगमेंटेड रखा है फ्रंट में। बैक में देखो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी और जितना मेरा काम होगा ना वो सारा सामने ही होगा। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में, मैंने बहुत सी चीज़ें ना ऑफ दी हैं। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो कोशिश करना कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो और आप भी यही करना। तो बस अब यहाँ पे मैं ना जितना भी काम कर रही हूँ वो फोकस में करा है और आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने थोड़ा सा जो ब्राइट ग्रीन दिया है ना वो सारा मैंने इसमें आगे की साइड दिया है और यही जो है ना ये हमारी पेंटिंग का लुक को और ज़्यादा बढ़ा देगा। वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे और ये याद रखना कि ब्लैक को ना डायरेक्ट मत यूज़ करना, आप ट्राई करो ब्लैक बनाओ, ठीक है। मैंने ये ब्लैक बनाया है, डायरेक्ट कलर यूज़ नहीं किया। मुझसे ना एक मिस्टेक हो चुकी है इसमें, मैंने इसमें क्या गलती कर दी, मैंने ना इसमें क्लाउड में और जो डार्क डालना था वो वेट ऑन वेट ही डाल दिया तो वो थोड़ा सा हो गया है, बट उसको अभी मैं करेक्ट करने का सोचूंगी कि वो किस तरह हमारा करेक्ट हो सकता है। और ये जो ट्री था ना ये मेरा पेंडिंग छूट गया था तो मैंने सोचा चलो इसको बना लेती हूँ। बेसिकली मैं भूल गई थी ये बनाना तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया है। मैं थोड़ा इसके साइड में शैडो दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी परछाई सी है तो उससे ना ये काफी 3D इफेक्ट आ जाएगा इसमें और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना अब मैं थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट दे रही हूँ क्योंकि देखो जहाँ पे भी हमारे पहाड़ या कोई भी ऐसे मार्केट प्लेस होता है तो हर जगह ना कुछ तो होता ही है, सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं बना होता है तो थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरी है ये सब देना। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट जो वाइट होता है ना कहीं कहीं पे यूज़ करूँगी, ज़्यादा कहीं पे नहीं, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी मत यूज़ करना क्योंकि बहुत बेकार लगेगा। फिर अगर आप BFA के स्टूडेंट हो या कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ वाइट का यूज़ मत करना क्योंकि आपके पेपर वगैरह भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। मैं तो यूज़ कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोच समझ के वाइट यूज़ करो। और अगर आपको करना है ना तो आप वाइट को छोड़ कर भी करो। मैंने बहुत सी जगह वाइट छोड़ा है बट जहाँ पर नहीं छूट पाया और जहाँ पर मुझे थोड़ा सा देना है तो मैं उस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो मेरी मिस्टेक हुई थी ना तो मैं उसको अब करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो और यहाँ पे ना स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना क्योंकि बिना स्प्रे के तो ये होना पॉसिबल नहीं है, ब्रश से ज़्यादा वाटर लग जाएगा इसलिए। तो फाइनली अभी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी आप वेट करो इसका फाइनल लुक देखने का, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बीच में हाँ थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई थी मैंने उसको ठीक जो किया है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो लग रहा है ना वो काफी अच्छा लुक लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी। लीजिए मैंने तो ये पेंटिंग कंप्लीट कर दी, अब आप मुझे ये बताओ कि किस किस ने मेरे साथ ये पेंटिंग करी है। जैसा मैंने बोला था आपको कि आप भी मेरे साथ कर सकते हो और देखो कितनी सारी चीजें और कितने सारे एलिमेंट्स मैंने ब्यूटिफुली ऐड कर दिए हैं आप सबको सिखाने के लिए। तो अब आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी क्योंकि मुझे भी होता है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरे पेंटिंग्स वगैरह जो मैंने आपके लिए क्रिएट करी है वो सब कैसी लगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।